नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे बाय विपुल कौशिक में। दोस्तों, एक नया नियम है सेबी का, जिसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सेबी का नया विस्फोट करके ये वीडियो थी। विस्फोट क्यों है दोस्तों? ये एक ऐसा कदम है जिसके होने पे अगर सेलिंग स्टार्ट हो गई लार्ज कैप स्टॉक्स में तो बाजार को गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितना भी बाजार चला है मार्च के बाद से वो लार्ज कैप स्टॉक्स की बदौलत ही चला है। आपको पता होना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से ही ये वी शेप रिकवरी थी या इंडेक्स मैनेजमेंट थी, आप जो मर्जी कह लीजिए। बाजार में जो रैली आई उसको लाने वाले लार्ज कैप स्टॉक्स ही थे, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं चले थे। अब सेबी कुछ ना कुछ नया करती रहती है। यहां पर सेबी ने एक नया कदम उठाया जिसमें कहा गया कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा कि वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स पैसा तो ले रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के नाम पे भी, क्योंकि मल्टी कैप है तो उसमें लार्ज कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, मल्टी कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, ठीक है। बट होना क्या चाहिए, पहले वो ज्यादा से ज्यादा जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप में डाल रहे थे, पर अब सेबी ने कह दिया है कि उसको बांट के कम से कम एक कैटेगरी 25% की होनी चाहिए, मतलब 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 50% तक लार्ज कैप जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो थी। अगर नहीं देखी है वीडियो तो पहले वो वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे आ जाएगा, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको वो 20 स्टॉक बताने वाला हूं जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छी वेटेज रखते हैं, अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप हो सकते हैं, और ये मेरी इस सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसके बाद मैं और 20 वीडियो बनाने वाला हूं। उन सभी 20 स्टॉक्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो आएगी जहां पे उनका डिटेल्ड एनालिसिस होगा, उनके फंडामेंटल्स हम चेक करेंगे, उनके चार्ट्स को चेक करेंगे और उनके टारगेट्स निकालेंगे अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके कि वो टारगेट कहां तक जा सकते हैं, वो अगर वो स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुए तो हमें कितना मालामाल कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग मल्टीबैगर ढूंढ रहे होते हैं उनको एक्चुअली मल्टीबैगर स्टॉक स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से ही मिलते हैं, क्योंकि वहां पर स्कोप होता है कि एक स्मॉल कैप मिड कैप बन सकता है, एक मिड कैप लार्ज कैप बन सकता है। जी हाँ, वही होता है मल्टीबैगर की एक जर्नी। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वो 20 स्टॉक हो सकते हैं जिनमें दम है एक लार्ज कैप बनने का, या जिनमें दम है वो उस कैटेगरी में, उस बाइंग की कैटेगरी में शामिल हो जाए जो म्यूचुअल फंड्स वाले अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये वो हॉट 20 स्टॉक्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो फंड मैनेजर्स को जो डेडलाइन मिली है वो फरवरी 2021 तक की है। आपको उस समय पहले पहले ये सब हो जाएगा तो ये शफलिंग जब स्टार्ट होगी तो इन स्टॉक्स में ये पोटेंशियल स्टॉक्स है जिनमें बाइंग हो सकती है। इन स्टॉक्स पे नजर डालिए आपकी स्क्रीन पे, वो 20 स्टॉक आ रहे हैं जिसमें सबसे ऊपर डीएफएम फूड्स देखिए, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस जो उसका अभी प्राइस चल रहा है, एम कैप मतलब मार्केट कैप, और पी मीन्स प्राइस टू इक्विटी रेशियो। डीएफएम फूड्स का प्राइस है 350 रुपीज, 1800 करोड़ की मार्केट कैप और 70 का पी। बिरला कॉप 597 का करंट मार्केट प्राइस, 4600 करोड़ की मार्केट कैप और 10 का। दोस्तों, एलेम्बिक फार्मा देखिए 910 रुपए का भाव चल रहा है, 17900 करोड़ की मार्केट कैप है और 17.5 का पी है। ये लिस्ट को बिल्कुल नीचे तक देखिए, बीबीडीसी लिमिटेड, सीडीएसएल, मयूर यूएनआई, एसटेक लाइफ साइंसेज, एसएल प्रोपा, एमएसटीसी, शिल्पा मेडिकेयर, पोकर्न, मिधानी, स्ट्राइड्स फार्मा, सीसीएल प्रोडक्ट्स, इंडियन निपोन इलेक्ट्रिकल, टाटा कैम, नैम इंडिया, दीपक नाइट्रेट, मिथेनलॉय एंड सेंजेन इंटरनेशनल। दोस्तों, ये वो स्टॉक हो सकते हैं जो एक मल्टीबैगर बन सकते हैं, और हर स्टॉक के ऊपर में एक डिटेल वीडियो होगी दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी एनालिसिस करने के बाद उसमें ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी रिसर्च और एक अच्छी स्टडी ही आपको एक अच्छा स्टॉक दे सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।